हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से प्रेशर कुकर में मटन। ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। अगर आपको कभी जल्दी मटन बनाना है तो आप इस तरीके से ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। चलिए बनाना शुरू करते हैं मटन। तो मटन बनाने के लिए मैंने 1 किलो मटन लिया है। इसमें मैं 400 ग्राम दही डालूंगी, ये फैटा हुआ दही है। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। उसके बाद सारी चीज़ों को मिला देंगे मटन के साथ। अब हाथ से अच्छे से मिलाएंगे, पूरे मसाले अच्छे से लगना चाहिए। इसे हम मैरिनेट के लिए रखेंगे 15-20 मिनट के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख दें, बहुत ही अच्छे से मसाला इसमें चला जाएगा। ये मैंने मिला लिया है, अब मैं साइड रख दूंगी इसको। उसके बाद जो भी चीज़ें हम मटन में डालेंगे वो यहाँ पे मैंने रखी हुई है। ये लहसुन है, कटा हुआ लहसुन, ये अदरक और लहसुन है, इसकी हम पेस्ट तैयार करेंगे। 2 टमाटर हैं, इनको ग्राइंड कर लेंगे और 5 प्याज हैं। सबसे पहले मैं प्याज को कट करूँगी। प्याज को काटने से पहले मैं इसका छिलका निकाल दूंगी। इस तरीके से आप मटन बनाइए, बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में इतना टेस्टी कि आप इसका स्वाद कभी भूलेंगे नहीं, इतना अच्छा बनता है। तो मैंने प्याज को छील लिया है, सारे प्याज को मैंने छील के अब इनको मैं कट करूंगी। इस तरीके से काटना है, लंबा लंबा काटना है सारा प्याज। अगर हम इस तरीके से काटते हैं तो ये जल्दी से गल जाता है, इसलिए आप इसी तरीके से काटिए। ये मैंने काट लिया है, साथ में ही मैंने टमाटर को भी पीस लिया है। ये देखिए, मटन में जो भी खड़े मसाले डालेंगे वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसमें मैंने लिया है जावित्री, हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च, काली इलायची, दालचीनी और तेजपत्ता। तो सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर को गर्म कर लूँगी। जब कुकर गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये 4 बड़े चम्मच ऑयल डालना है, 1 किलो मटन है उसी हिसाब से हम सारी चीज़ें डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें सबसे पहले खड़े मसाले डालेंगे, उसके बाद जो हमने लहसुन को काट के रखा हुआ है उसे भी डाल देंगे। अब लहसुन के साथ सारे खड़े मसाले को भी फ्राई करेंगे, चलाते हुए फ्राई करना है। लहसुन का कलर जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। मैंने प्याज को भी ऐड कर दिया है। प्याज डालने के बाद हम इसे चलाते हुए फ्राई करेंगे, जब तक प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम प्याज को फ्राई करते रहेंगे। प्याज बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, तभी मटन का स्वाद अच्छा आएगा। ये देखिए, काफ़ी चेंज हो गया है कलर प्याज का और सारे मसालों का। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये मैंने दरदरा कूट लिया था, ये 2 बड़े चम्मच है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब मिला देंगे, इसे भी पकने देंगे, अच्छे से फ्राई होने देंगे। अदरक और लहसुन भी फ्राई हो गया है, ये देखिए कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। थोड़ी देर और पकने देंगे। अब इसमें हम मटन डालेंगे जिसे हमने मैरिनेट के लिए रखा हुआ था। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली मटन रेसिपी है, मटन करी, आप इसे जरूर ट्राई करें। नहीं तो बहुत टाइम लगता है मटन पकने में, तो एक क्विक रेसिपी है, एक बार जरूर बनाएं। अब ये जो मसाला बचा हुआ था उसे भी मैंने डाल दिया है। अब इसे हमें चलाते हुए फ्राई करना है, पकाते रहना है कम से कम 10 मिनट तक। हम जितनी देर तक इस तरह से खुले में फ्राई करते रहेंगे ये इतना ही टेस्टी बनेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम चाहिए है। हम जल्दी बना रहे हैं तो हमको 10 मिनट ही फ्राई करना है, उसके बाद हम 1 सीटी लगा के इसे पका लेंगे। कि मैंने, मेरे को 5 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए, अभी और 5 मिनट लगेगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ टमाटर। ये सबसे इजी तरीका है मटन बनाने का, आप इस तरह से कभी भी बना सकते हैं और टेस्टी भी बनता है। अब इसमें मैं डालूंगी पिसा हुआ टमाटर।
टमाटर डालने के बाद भी हम इसे चलाते हुए पकने देंगे। जब तक थोड़ा टमाटर पक ना जाए तब तक हम चलाते हुए पकाएंगे। वैसे तो बिना मैरिनेट करे हुए भी मटन को पकाया जाता है, लेकिन मैरिनेट करने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। जो हम दही डालते हैं उसका टेस्ट इसमें चला जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा एक बार। टमाटर भी थोड़ा पक गया है, अब इसमें मैंने नमक नहीं डाला हुआ है तो नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। उसके बाद एक बार और चला देंगे। मटन का टेस्ट और बढ़ाने के लिए हम इसमें एक चीज और डालेंगे, जिससे मटन का स्वाद दुगना हो जाएगा। ये मैंने हरे धनिए के डंठल लिए हैं, जिनको मैंने काटा हुआ है, इसे डाल देंगे और साथ में ही कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल देंगे दो तीन। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। एक बार और मिला देंगे सारी चीज़ों को। ये देखिए कलर कितना अच्छा दिख रहा है मटन का। जितना अच्छा इसका कलर दिख रहा है खाने में भी इतना ही टेस्टी होता है। अब मटन का स्वाद और बढ़ाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, एक चम्मच। उसके बाद हम इसे मिला देंगे और ढक्कन लगा के तेज आंच पे एक सीटी आने देंगे। उसके बाद धीमी आंच में पकने देंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसका ढक्कन खोल देंगे। अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल दूंगी। मटन में हमने पहले पानी नहीं डाला हुआ है, अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। आप अपने हिसाब से ग्रेवी कम या ज़्यादा जितना बनाना चाहें उतना पानी डाल सकते हैं, लेकिन हमको पानी गर्म डालना है। अगर हम ठंडा पानी डाल देंगे तो मटन हार्ड हो जाता है और खाने का टेस्ट भी चला जाता है, इसलिए आप इसमें गर्म पानी ही डालें, तभी मटन करी बहुत टेस्टी बनेगी। अब मैं इसमें पानी डालूंगी लगभग एक गिलास, ये मैंने गर्म करके रखा हुआ है। उसके बाद इसे पकने देंगे थोड़ी देर और, जब तक ये उबलने ना लगे। ये उबलने लगा है, ये देखिए इसकी करी कितनी अच्छी लग रही है। आप इसे रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं और बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। बहुत जल्दी बना के हम मटन तैयार कर सकते हैं। इससे इजी तरीका आपको नहीं मिलेगा। अगर हम खुले में मटन पकाते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ।